अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ 6 ऑमलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले जी, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी डेली नोटिफिकेशन की आपको मिल सके। हाँ जी, आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्लफ़ी, सुपर फ्लफ़ी ऑमलेट, जिसके लिए मैंने लिए है जी 3 अदद अंडे, नमक जाएगा और इसमें काली मिर्च जाएगी। आइए चल के देखते हैं कि हम इन थोड़े से इंग्रेडिएंट से कैसे फ्लफ़ी ऑमलेट बनाते हैं। हाँ जी, देखिए मैंने जो अंडे लिए थे उनकी जर्दी अलहदा कर ली है और सफ़ेदी उसको अलहदा कर ली है, और अब जर्दी और सफ़ेदी को अलहदा अलहदा करके अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। हाँ जी, देखिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये बिल्कुल एक फ्लफ़ी सा पेस्ट सा बन जाए। जी देखिए, इसके ऊपर बिल्कुल झाग सा बन गया। और दूसरे साइड पे देखिए, मैं जर्दी को मिक्स कर रही हूँ अच्छे तरीके से। जर्दी को भी मिक्स करना है, आप बीटर में भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने बीटर में मिक्स नहीं किया, मुझसे इसी से अच्छे तरीके से मेरे मिक्स हो गए थे तो फिर मैंने यही यूज़ किया है। जी देखिए, अब मैं सफ़ेदी को जर्दी में डाल दूंगी और इसको 2 से 3 मिनट तक मिक्स करने के बाद आप इनको अलग अलग, क्योंकि अगर हम एक साथ ही अंडों को मिक्स करेंगे तो अच्छे से फ्लफ़ी से नहीं बनेंगे, और इसलिए मैंने उनको अलग अलग करके इनको फेंटा है। दूसरी तरफ देखिए, मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल को ग्रीस किया था। और देखिए, अब मैं अंडे वाला जो मैंने पेस्ट है इसमें डाला है, देखिए ऊपर झाग सा बन के आ गया है। हाँ जी देखिए, 2 से 3 मिनट मैंने इसको पलटा नहीं है, 2 से 3 मिनट लगे हैं, हमारा अंडा बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। हाँ जी देखिए, ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है, इसकी जो लेयर थी बहुत ज़्यादा मोटी थी और मैंने इसमें सिर्फ 3 अंडे डाले थे, बहुत ज़्यादा ये फ्लफ़ी बना था। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।